में इस्कॉन मंदिर की दान पेटी तोड़कर 7 लाख की चोरी करने वाले दो बांग्लादेशी आरोपियों को नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों में राजू फराज शेख और अमीरुल उर्फ आकाश मनन प्रमुख है। इन्हें खारघर के ओवेगांव कैंपस से पकड़ा गया है। इनसे 80,000 की नकदी भी बरामद हुई है। कॉन्फ्रेंस में एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर जय जाधव, अपर पुलिस आयुक्त महेश गुरे और DCP क्राइम सुरेश मेंगड़े भी मौजूद थे। विपिन कुमार सिंह ने बताया कि बांग्लादेश के नराइल प्रांत के रहने वाले दो आरोपी बिना पासपोर्ट अवैध रूप से बॉर्डर पार कर भारत आए हैं। उनके खिलाफ चोरी और विदेशी नागरिक आदेश एवं कानून 1946 एवं 1948 तथा पासपोर्ट अधिनियम 1950 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इन्हें 7 दिनों की पुलिस कस्टडी दी है। जगामध्ये सर्वात मोठी जो इस्कॉन टेम्पल आहे दुसऱ्या नंबरची ते खारघरला आहे। तिथे अजून काम चालू आहे पण फार मोठी त्यांची कॅम्पस आहे आणि मोठी मंदिर आहे। तर तिथे त्यांनी 2 बांग्लादेशी नागरिकला आमच्या लोकांनी अटक केली आणि त्याच्याकडून 80,000 पैसे म्हणजे रोख रक्कम आहे त्यांनी रिकवर केलेले आहेत। टोटल जे आहे ते 1,60,000 चोरी झाली होती। मात्र हे स्पेशल क्राईम आहे कारण की तो मंदिरामध्ये तिथे सर्व कॅमेरे आहे आणि सिक्युरिटी आहे, तिकडे लोक असतात। तरीसुद्धा हे 2 बांग्लादेशी त्याच्यामध्ये आरोपी आहे। जसं मी सांगितलं, एक राजू शेख आहे आणि दुसरा जो आहे तो अमीरुल राकाश खान आहे। हे दोघे जे आहे ते नराईल इस्टेट आहे बांग्लादेशी, तिकडचे राहणार आहे ते। आता तपास चालू आहे की हे तिकडे काय गेले कसं आले कुठे राहत होते हे चारही गुणाचे आपला तपास चालू आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।